और ये सलाद है, ये भरता है फ्रेंड। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर हमारा खाना आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ खाने लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबाएं। और चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता और हम कचौरी बनाने वाले हैं फ्रेंड, सत्तू की कचौरी। तो ये देखिए, मैंने 6 आलू लिया है, ये छोटे वाले बैंगन है फ्रेंड। तो इसको हम कुकर में उबाल लेंगे। ये देखिए, मैंने चक्कू से 4 फाक कर लिया है और 5-6 तो छोटे छोटे बैंगन है। ये देखिए, ये हमारे राजस्थान में ऐसा ही बैंगन मिलता है, बड़े वाले नहीं मिलता है। अगर आपके पास बड़े वाला हो तो आप उसका यूज करना। और ये देसी टमाटर है फ्रेंड, ये देसी टमाटर का भरता बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, 6 टमाटर है, 6 आलू है और बड़ा छोटा सब मिला के 6 बैंगन समझ लेना, 6 क्या 5 4 बैंगन होगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में सब डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सब डाल दिया है, बस इसको 1 सीटी लगाना है, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है फ्रेंड। तो चलिए इसको हम उबालना शुरू करते, गैस पे बिठा देते हैं। इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, ये नमक डाल रहे हैं। ये देखिए, मैंने कुकर बैठा दिया है। ये देखिए फ्रेंड, मेरे सारे टमाटर आलू सब उबल गए हैं। तो इसको हम मसल लेंगे, फिर हम इसको आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें फ्रेंड। देखिए, हमारे मैंने भरते को सारे को मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने छोटा छोटा प्याज काट के रखा है, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है और ये अदरक है। तो चलिए बनाना शुरू कर। ये देखिए, मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ये धनिया पत्ता है। ये देखिए, हम हींग डाल रहे हैं। ये क्या है फ्रेंड, तिल का तेल है, तो इसमें फेन फेंकेगा। और इसमें राई है, जीरा है, सौंफ डाल रहे हैं, ये अदरक अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्चा भी डाल देंगे। क्या तिल का तेल है ना फ्रेंड, तिल का तेल ये बात फेंकता ही है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये तेल। देखिए, हम प्याज डाल रहे हैं, फ्रेंड इसमें देखिए, हमारे प्याज हल्के से भूज गए हैं, हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। मसाले में देखिए, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, इसको हिला लेंगे, मसाले भूज गए हैं तो हम ये डाल देंगे भरते। इसको चला लेंगे। बैंगन का भरता खाने में बहुत टेस्टी लगता है, सर्दी में तो ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड, हमारे बैंगन के भरते कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें हम धनिया पत्ता डाल लेंगे और इसको हम 10 मिनट और भूजेंगे। देखिए, धनिया पत्ता डाल रहे हैं, मिक्स कर लेंगे इसको हम। फ्रेंड, हमारा बैंगन का भरता बन गया। तो चलिए हम कचौरी का तैयारी करेंगे। कचौरी का चलिए सब सामान तैयार कर लेते हैं। इसके साथ लिट्टी, और यूपी बिहार में सब ये डिश बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हम राजस्थान में हमारे सब कचौरी बोलते हैं, तो इसलिए हम कचौरी बनाएंगे फ्रेंड, सत्तू की कचौरी। तो आप मेरे वीडियो बन रहिएगा। मेरा भरता दम तैयार हो गया, रेडी हो गया, हम गैस बंद कर देंगे फ्रेंड। हम सत्तू तैयार करेंगे। ये देखिए, ये सत्तू है, हमारी दीदी आई थी तो लेके आई थी ये सत्तू के पैकेट, तो हम ये सत्तू डाल के बनाएंगे। तो चलिए हम पहले सत्तू में क्या क्या डालते हैं वो बना ले। देखिए फ्रेंड, ये प्याज काटा है मैंने, ये अदरक है, ये 1 नींबू डालेंगे, और ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है। तो चलिए हम सबको मिक्स कर लेते हैं, सत्तू को पहले फाड़ लेते हैं। ठीक है, सत्तू डाल रहे हैं।
धनिया पत्ता भी डाल लेंगे, थोड़ा सा तेल, नमक, ये अजवाइन है, ये नींबू का रस डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारी सत्तू तैयार हो गई है, तो चलिए आटे लगा लेते हैं हम। फ्रेंड हमारी कचौरी देखो कितनी अच्छी लग रही है, तो चलिए हम कचौरी आपको बना के दिखाते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हम छोटा छोटा पहले लोई कर लेंगे, ये देखिए इसमें से डाल के भर लेंगे। थोड़े से आटे बेसी है इसको निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा, चलिए हम दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड एक मैंने ये डिजाइन का बनाया, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये चलनी है फ्रेंड, चलनी में हल्का सा पहले तेल लगा लेंगे, फिर इसको हमें ऐसे ऐसे दबाएंगे, इसको अच्छे से एकदम बड़े कर लीजिए। ये देखिए ये डिजाइन बन गया, या पूरे बाहर आना चाहिए। इसमें हम सत्तू डालेंगे, ये जो मैंने बनाया वो डाल देंगे साइड से, इसको लेके अच्छे से इसको दीवार दबा लीजिए। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड ये मैंने नया स्टाइल का बनाया है बाटी, अरे कचौरी, और ये सिंपल है। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड हमारा बाटी एकदम, हमारी कचौरी सीख रही है। ये देखिए फ्रेंड दो कटोरी आटा है, तो हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, कचौरी बनाना हमें। ये अजवाइन है, अजवाइन भी डालेंगे हम कचौरी में, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे खस्ता के लिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर है ना हम इसमें पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे हम। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।